उत्तराखंड की भारत स्वाभिमान यात्रा को जारी रखते हुए राष्ट्रनायक स्वामी रामदेव जी पहुंचे अल्मोड़ा जिले के दन्या, जहां लोगों ने स्वामी जी का भारत माता की जय घोष के साथ जोरदार स्वागत किया, अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त किया। स्वामी जी की एक झलक पाने को लोगों का हुजूम गलियों से लेकर छतों तक देखा जा सकता था। मंच पर स्वामी जी का माल्यार्पण कर लोगों ने आशीर्वाद प्राप्त किया। तदुपरांत जननायक स्वामी रामदेव जी ने लोगों को नशा मुक्ति का पाठ पढ़ाया। आप सबकी नहीं कह रहा हूं, जो बड़े हैं, और बड़े होकर के यदि आप नशा करते हो तो समझ लो आप अपने बच्चों का क्या कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो कि बुरा। अब बच्चे ने तो बुरा बोल दिया, बड़े बोले ही नहीं। औलाद वाले होकर के, बाल बच्चेदार होकर के यदि आप नशा कर रहे हो तो अपने बच्चों के लिए एक गलत रास्ता तैयार कर रहे हो। आज तक गलती जो हो गई सो हो गई, अब एक आज एक नियम लेकर के जाओ। हाँ क्यों भाई, धनिया वाले मैं ठीक कह रहा हूं? जवान तो गड़बड़ नहीं करते। हाँ कुछ लोग आजकल ना बीड़ी सिगरेट पीने लग जाते हैं, जवान भी। मैंने कहा क्यों? बोले बाबा जी तनाव हो रहा। मैंने कहा तनाव की दवाई है, स्ट्रेस की कोई दवाई है क्या दारू? बोले बाबा जी नौकरी नहीं मिली इसलिए दारू पीने लग गया। मैंने कहा दारू पीने से नौकरी मिल जाती है? बोलो नहीं मिलती। उससे बोलते इस दिन अकेलापन रहता है इसलिए दारू पी लेते हैं, तो दारू पीने से कोई ब्याह हो जाता है, कोई फ्रेंड मिल जाती है, कोई मित्र मिल जाता है दारू पीने के बाद, फिर आदमी वैसा का वैसा ही। दारू पीने से अकेलापन दूर नहीं होता, दारू पीने से तनाव दूर नहीं होता, दारू पीने से कोई खुशियां नहीं होती। कुछ तो पीने वाले भी कह रहे बाबा बात तो ठीक है। दारू पीने से ना किसी को नौकरी मिलती है, ना कोई खुशी मिलती है, ना कोई उससे सुख मिलता है, बल्कि दुख मिलता है। थोड़े दिन लगातार दारू बीड़ी सिगरेट पियो तो कैंसर या लीवर किडनी खराबी कोई ना कोई बड़ी बीमारी जरूर मिलेगी आपको। कोई भी सुख नहीं मिलेगा, दुख जरूर मिलेगा। अच्छा बताओ ये बेटियां तो कोई दारू नहीं पीती, ये एक भी नहीं पीती, क्यों? क्योंकि इनकी माँ नहीं पीती। अरे ये गड़बड़ क्यों करते हैं? क्योंकि बाप को पी हुआ है। तो ये मातों वाला महकमा ठीक है, ये पिताजी वाला महकमा गड़बड़ है। बोले मैं बात ठीक कह रहा हूं ना? तो जोर से ताली तो बजाओ मेरी बात से। इसका मतलब हमारा घर का एक महकमा बहुत अच्छा है। कौन सा महकमा? माता। और वैसे भी पहाड़ की तो माताएं पुरुषों से कई गुना अच्छी होती है। क्यों? खेत में घास भी काटती है, ढोके भी लाती है, सारा घर का भी काम, खेत का भी काम, बच्चों का भी काम। मैं कई बार सोचता हूँ आदमी क्या करते हैं, आदमी भी बहुत अच्छे हैं पहाड़ के। लेकिन भाई जब आप अपने साथ माताओं की तुलना करोगे तो माताएं आपसे ज्यादा तप करती हैं, माताएं आपसे ज्यादा घर परिवार को संभाल के रखती है। तो आप अपने आप को तो संभाल के रखो, बिजनेस करते हो, व्यापार करते हो, नौकरी करते हो, सब ठीक है। तो आज एक व्रत ये भी लेकर के जाएंगे भाई, एक ही गड़बड़ है, बाकी तो ठीक ठाक है सब मामले। ये नशा वाला गड़बड़ इससे अपना बहुत नुकसान होता है। रोज 20-50 रुपए अपने को लगता है तो 10-20-50 रुपए की पी रहे, लेकिन 10-20-50 रोज पीते हैं उसकी जगह उतना सेविंग करें, सेविंग अकाउंट में उसको डालते जाएं तो एक करीब 50-60 साल में आपके जाते जाते वो करोड़ों रुपए हो जाएंगे। तो यदि आप नशा नहीं करते हो तो जाते जाते आप बच्चों को करोड़ों रुपए देकर के जाएंगे, और यदि नशा करते हो तो जीते जी तो खर्च करोगे, मरते समय किसी को कैंसर होगा, किसी को हार्ट अटैक, किसी को लिवर किडनी फेल, और बच्चों को कर्ज उतार करके चलेगा। तो आज एक ये संकल्प लेके जाओ कि आज के बाद किसी को नशे का सेवन। बाबा जी आप भी हाँ मर दो ना।
बाबा जी आके झोड़ी फैला के मांग रहा है, निकाल बीड़ी निकाल। आज के बाद बाबा जी को झोड़ी नहीं देती है, नहीं भी नहीं बनेगी भाई। चल आशीर्वाद बाबा जी के लिए, तालियां तो जोर से बजा। माचिस नहीं ली है, माचिस घर में काम आ जाएगी। नहीं नहीं मैं पीनी थोड़ी हूँ मुझे, इसको छोड़ दो बाबा, इससे अपना ना ये नुकसान हो। अभी तो उम्र हो गई ना, तो और फेफड़े में फिर खांसी और ये सब होता रहता है। देखो साधु कोई चीज मांगे ना तो दे देनी चाहिए, ये तो आपको तो मैंने सामने देख लिया, बाकी कई है यहाँ। तो ये सब लोगों को जैसे बाबा जी ने मुझे दान दे दिया, ऐसे सबको मैं छोड़ देंगे बाबा। अरे साधु कोई चीज मांगे तो लोग क्या क्या छोड़ देते हैं, तो बीड़ी की बात है, वो तुम्हारी जिंदगी थोड़ी मांगी है। क्या है अरुण, ये तो संकट। अरे हमने तो घर छोड़ दिया। भारत माता की जय। ये काम हो गया ठीक है। अच्छा दूसरा, सुबह सुबह उठ करके एक अच्छी आदत डाल लो, किसकी, व्यायाम करने की, योग करने की। एक अच्छी आदत डालने से बाकी सारी गलत आदत छूट जाती है, छूट जाती है। भगवान हनुमान जी कहते हैं योगी, राम जी कहते हैं कृष्ण जी कहते हैं, तो सुबह सुबह उठ कर सबको क्या करना है, जो योग नहीं करेगा वो ऋषियों की औलाद नहीं। दुनिया के लोगों को भारत स्वाभिमान से जोड़ने के पश्चात स्वामी जी पहुंचे अल्मोड़ा जिले के पनवा नौला इंटर कॉलेज, जहां स्वामी जी ने बच्चों को अपने प्रेरणादायी उद्बोधन में कहा, आज से सब बच्चे ये संकल्प लेंगे, ये प्रण करेंगे, ये प्रतिज्ञा करेंगे कि हम पढ़ाई में पूरी मेहनत। और हमारे नंबर कितने आएंगे, फुल बेटा फुल, सौ के सौ नंबर लाओगे। अभी कितने आते हैं, किसी के 80, किसी के 70, किसी के तो 50 और कोई 60। तो दिमाग से काम ले तो सबके नंबर एक जैसे आ जाएंगे। अध्यापक को मुश्किल हो जाएगी, फर्स्ट किसको लू। और अभी अभी तो कुछ बच्चे तो पढ़ाई करते समय इधर उधर ही ध्यान रखते हैं, और घर में जाकर के भी पढ़ाई में ध्यान कम, मारपीट में ध्यान। और अभी तुम्हारे घरों में टीवी तो नहीं आया है, उसमें कार्टून तो नहीं देखते हो, तो सच्ची सच्ची बात बताना, झूठी बात मत बताना। ज्यादा कार्टून पढ़ाई, ज्यादा ध्यान किसने देना, पढ़ाई में ध्यान देना। और माँ बाप के सामने कभी उल्टा नहीं बोलना, बोलते हो ना कभी कभी, सब बोलेंगे मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, राष्ट्र देवो भव। माता पिता भगवान के समान है, और माता पिता ना होते तो धरती पर हमारा जन्म नहीं होता। और अभी भी सब कुछ हमारे लिए कौन कर रहे हैं, माता पिता। तो माता पिता को उठ करके सुबह प्रणाम करना। कितने बच्चे हैं जो सुबह उठ के माँ बाप को प्रणाम करते हैं, झूठ नहीं बोलना कोई भी, थोड़े से बच्चे करते हैं। सब बच्चे अब हाथ उठाएंगे, हर रहा कल से सबको क्या करना है बोलो, माता पिता को शुरू में ना शर्म आती है, शुरू में जब प्रणाम करते हैं ना तब माँ बाप को भी शर्म आती है और बच्चों को भी। हम जब पांच
तीसरी चौथी क्लास में पढ़ते थे ना, तो एक दिन हमको ऐसे ही स्कूल से घर भेज दिया, बोले जाओ अपने माँ बाप को प्रणाम कर जाओ। तो हमारी मैया चक्की घुमा रही, हमने जाके ऐसे शर्माते शर्माते नमस्ते किया, भाग गए। फिर दूसरे दिन अच्छा सा घी खाने को मिला, रोटी के ऊपर मक्खन मिला, फिर माँ ने फिर और प्यार किया। उस दिन से हमने फिर माता पिता को प्रणाम करना, तो बोलो अब कल से सब माता पिता को प्रणाम, गुरुजनों का आदर, घर में कोई बड़ा आए अतिथि आए उसका भी आदर, और अपने देश का भी सम्मान। प्रेरणादायी उद्बोधन देने के पश्चात स्वामी जी चल दिए अल्मोड़ा जिले के रानीखेत की ओर, जहां पहुंचने पर लोगों ने स्वामी जी का ओम की ध्वनि के साथ जोरदार स्वागत किया। मंच पर गणमान्य व्यक्तियों ने दीप प्रज्वलन किया तथा स्वामी जी का माल्यार्पण व स्मृति चिन्ह भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया। यहीं पर स्वामी जी के सम्मान में महिला एवं स्कूली छात्राओं ने स्वागत गीत गाया। मंच पर स्वामी जी का आशीर्वाद प्राप्त करने क्या हिंदू क्या मुस्लिम सभी समुदाय के लोग पहुंचे। तदुपरांत सत्य की प्रतिमूर्ति स्वामी रामदेव जी महाराज ने अपने उद्बोधन में कहा, आज एक तरफ हमारे सामने हेल्थ प्रॉब्लम्स है और वेल्थ की प्रॉब्लम तो है। जब भारत के सामने चुनौतियां हैं, जो प्रश्न हैं, जो समस्याएं हैं, हमारे सामने जो चैलेंजेज हैं, उनके बारे में हम सोचते हैं तो अपने रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कुछ आंकड़े तो ऐसे हैं, देश के आंकड़े माने हकीकत, देश की कुछ हकीकत ऐसी है जब हमें उसके बारे में पता लगता है तो हमें हरी रूह कांप उठती है। पूरे विश्व में कुछ संस्थाएं हैं जो अलग अलग देशों के बारे में अलग अलग तरह का अध्ययन करती हैं। एक संस्था है जो पूरी दुनिया के अंदर गरीबी भूख अभाव का अध्ययन करती है, उसको शॉर्ट में बोलें तो हंगर एंड मेल न्यूट्रिशन, भूख और कुपोषण की क्या स्थिति है पूरी दुनिया में। जैसे अलग अलग संस्थाएं हैं, जियोलॉजिकल सर्वे करते हैं वो अलग, हमारे भारत के अंदर भी ऐसी ऐसी अलग अलग संस्थान हैं जो अलग अलग तरह के अध्ययन करते हैं कि भारत के अंदर लोहा कितना है, भारत के अंदर कोयला कितना है, भारत के अंदर तेल कितना है, भारत के अंदर गैस कितनी है, भारत का क्षेत्रफल कितना है। फिर अलग अलग अध्ययन किए जाते हैं, इसमें पानी कितना है। क्या आपको पता है हमारे देश की कुल भूमि कितनी है? भूमि जल मिला के देश की जो जमीन है ये कितनी है? करीब 33 लाख वर्ग किलोमीटर। कितनी? तो ऐसे अलग अलग अध्ययन किए जाते हैं। जैसे काला धन कितना है, इसके बारे में हम आपको छोटी छोटी कुछ सामग्री भी, कुछ पत्रक भी उपलब्ध कराते हैं। तो इसमें हमने पूरी दुनिया के अंदर काला धन कितना है, किस देश का कितना है, इसके लिए भी कुछ संस्थाएं अध्ययन करती हैं। जो ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रिटी है, चाहे वो टैक्स जस्टिस नेटवर्क है, चाहे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है या और दूसरे संस्थान, मैं उनके बारे में भी आगे बात करूंगा। ऐसे ही एक संस्थान है, वो उसका नाम है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। उसने भारत के जो एक बहुत बड़ी हकीकत कि भारत के अंदर भूख से कितने लोग मरते हैं, 60 से 70 लाख लोग भारत में हर साल भूख से मरते हैं। इसको यदि प्रतिदिन के हिसाब से बांटे तो हर दिन करीब 20,000 लोग भूख और कुपोषण के कारण से, खाना पूरा न मिलने से, कुपोषण से हर दिन 20,000 लोग दम तोड़ देते हैं। हर एक घंटे के अंदर 843, अब जब तक एक घंटे हमारी सभा चलेगी उतनी देर में करीब 843 लोग दम तोड़ देंगे। एक आदमी की भी मौत होती है, किसी बड़े की तो चर्चा होती है फला आदमी मर गया। एक मिनट के अंदर 13 व्यक्ति भूख और कुपोषण से हमारे देश में मर जाते हैं। क्यों है इतनी दरिद्रता? इतना शक्तिशाली भारत जिसके बारे में बता रहा था मैं, 33 लाख वर्ग किलोमीटर की जिसकी सर जमी हो,
जिससे देश के अंदर करीब 20,000,00,000 करोड़ रुपए की भू संपदाएं हो। कितनी बोली, बोले तो 20,000,00,000 करोड़ रुपए के लोहा, कोयला, सोना, चांदी, हीरा और तमाम जो है 89 प्रकार के मिनरल्स हो, भू संपदाएं हो। इतना शक्तिशाली भारत, और फिर इसकी यह हालत क्यों? इसके बारे में मैं जब रोज अध्ययन करता हूं। आपने अभी पिछले दिनों जो घोटालों का बाजार गर्म रहा उसमें सुना 2G स्पेक्ट्रम घोटाला कितने रुपए का, 1,76,000 करोड़। ये पैसे कितने होते हैं कुछ बता भी है या उन बोल बोल देते हो? 1,76,000 करोड़ रुपए। इसमें यदि यूनिवर्सिटी बनाए तो पूरे देश के अंदर एक यूनिवर्सिटी बनाने में बहुत बढ़िया वर्ल्ड लेवल की यूनिवर्सिटी बनाओ तो 1,000 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। कितने, 1,00,000 करोड़ में कितने हो जाएंगे? 100 से ज्यादा यूनिवर्सिटी ऐसी बड़ी बन सकती है। और यू जैसे उत्तराखंड में यूनिवर्सिटी है ऐसे तो आप 1,000 बना सकते हो। आपके यहां भी तो यूनिवर्सिटी है, उत्तराखंड में भी तो यूनिवर्सिटियों का यहां भी ढेर लगा हुआ। 100 करोड़ रुपए में अच्छी यूनिवर्सिटी बन जाती है, 200-250 करोड़ में काम चलाओ बन जाती है, और 1,000 करोड़ रुपए खर्च करो तो वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी कितनी, 100 बन सकती थी। तो करीब जो है करीब करीब 200 यूनिवर्सिटी बन सकती थी जिसमें हमारे लाखों बच्चे पढ़ सकते थे। ये तो एक घोटाला 2G स्पेक्ट्रम, इसके बाद तो और जो है कॉमनवेल्थ घोटाला, न वेल्थ मिली न देश को हेल्थ मिली, सब कुछ चला गया। अच्छा बताओ कॉमनवेल्थ में देश को क्या मिला? 2-4 मेडल मिल गए, 2-4 दिन अखबारों में फोटो सब गए, बस हो गया काम। और घोटाला कितने का हो गया? 70,000 से 80,000 करोड़ रुपए का। और उसकी भी सबसे पहले ही FIR हमने ही दर्ज करवाई थी, जिसके कारण से आज भ्रष्टाचार के कुछ खिलाड़ी जेल में हैं। अब तो जेल में जाना मानो एक बहुत बड़ा प्रेस्टीज का मामला बन गया। जो जेल में नहीं गया इसका मतलब उसने कुछ किया ही नहीं। भाई बहनों, ये एक दो घोटालों की बात नहीं, आपने तो थोड़े से घोटाले सुने, एक बहुत बड़ा घोटाला है। इस देश में जितनी चीजें जिस मूल्य में मिलनी चाहिए थी उससे ज्यादा मूल्य में दी गई, इसको मैं बोलता हूं महंगाई घोटाला। क्या बोला मैंने? आपको तेल कितने रुपए में मिल सकता है? आप जो पेट्रोल खरीदते हो ये कितने रुपए में मिल सकता है? ईमानदारी से दें तो 35 रुपए में, जो वर्तमान में भाव है। इस समय करीब 30 रुपए तो उसका क्रूड ऑयल का ही रेट है, उसमें 5 रुपए वो भी लगेगा भाई सफाई सफाई करने का भी, तो 35 रुपए में तेल मिल सकता है। ये मेरे पास में पूरी दुनिया में तेल किस रेट से मिलता है उसका भाव है, और आप इसका भाव सुनेंगे तो आपको आश्चर्य होगा। 8 रुपए में तेल मिलता है कतर में, दोहा आपने सुना ही होगा, वहां कई बार क्रिकेट आदि होता रहता है। कतर में तेल क्या रेट से मिलता है? 8.25 रुपए में, बोलो तो सही। और यहां कितने में मिलता है? 70 रुपए में मिलता है। सऊदी अरेबिया में मिलता है 8.53 रुपए का, और जो है कुवैत में मिलता है 9.45 रुपए का। और अपने चलो वो तो बोले बोले भाई उनके तो घर का है, नीचे से निकाल लिया और दे दिया। पाकिस्तान तो अपनी तरह से बाहर से खरीदता है, ये आपको चौंकाने वाली बात बता रहा हूं, आपको पता ही नहीं है, लूटे जा रहे हो और छोटे छोटे घोटालों में माथे पीटते रह जाते हो। अरे घोटालों का पैसा तो बाद में आएगा, पहले महंगाई तो खत्म कर लो, वही लूट रहे अपने को। 1 रुपए की चीज 2 रुपए में बेच रही है और सरकार बेच रही है, सबसे बड़ा अपराध तो यह है। देखो मैं आपको 3-4 देशों का बताता हूं। ये हांगकांग जो अपना ही चीन के साथ में एक लगा हुआ देश है, वो अब चीन के साथ ही जुड़ गया है, वहां पर बिकता है 29.86 रुपए का। कितने का? पाकिस्तान में बिकता है 38.78 रुपए का। कितने का? चलो 38 ही राउंड फिगर गिन लो, कहीं 35 कहीं 36 कहीं 37 38 38 रुपए का कहां मिलता है? पाकिस्तान में। चीन में मिलता है 37 रुपए का। चीन में कितने का? उसके पास एक देश है वियतनाम, उसमें मिलता है 38 रुपए का। और अमेरिका जहां सबसे ज्यादा महंगाई रहती है वहां मिलता है 38 रुपए का। और भारत में कितने का? 70 से 74 का। और इस महंगाई को गिनोगे तो कई लाख करोड़ का तो इसी में घोटाला कर देते हैं। सत्ता के शिखर पर बैठे लोग धनवान हो गए और देश दरिद्र हो गया। हम ऐसा भारत बनाना चाहते हैं जहां देश के लोग धनवान हो, देश धनवान हो,
जहां के सत्ताओं के शिखर पर बैठे कुछ लोग वो मात्र वही चमक दमक से नारे। मैं झांसी से दूसरे चरण की यात्रा शुरू की। मैंने दो प्रश्न रखे लोगों के सामने। मैंने कहा भाई 400 साल पुराने यहां किले मिल जाते हैं, 400 साल पुराना एक भी मकान नहीं मिला मुझे। पहले से ही शोषण चला रहा है, राजे महाराजा पहले किले बनाते थे, आजकल ये सब देश लूट लूट करके दुनिया भर दी है। भाई बहनों ये तो मैं महंगाई घोटाले की बात करूं, तेल की बात नहीं, ऐसी चीनी की बात करें, दालों की बात करें, साग सब्जियों की बात करें, प्याज घोटाला, यहां तो चीनी घोटाला, प्याज घोटाला, सब्जी घोटाला, हर चीज में घोटाला, यूरिया घोटाला, ताबूत घोटाला, मैंने अर्थियों तक बेच डाली घोटाले। भाई बहनों इन सब के कारण से देश का 400 लाख करोड़ रुपए लूटा है। कितना? 400 लाख करोड़ रुपए। कुछ मैं आपसे और दो चार बातें बता देना चाहता हूं। एक मेरे से बोला बाबा ये पैसा आएगा कैसे, इसका तरीका तो बताओ। मैंने कहा पहले तो इसको राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करो, जो ये पैसा लूटा है इस पैसे के ऊपर इन लुटेरों का हक नहीं, ये 121 करोड़ लोगों का इन्होंने हक लूटा है, 121 करोड़ लोगों का उसके ऊपर हक है, इनका कोई हक नहीं है जिन्होंने लूटा, और लूट लूट के पता है कहां कहां जमा करा दिया है, 1,68,485 लाख करोड़, माने करीब करीब 2 लाख करोड़ पे तो मॉरीशस रूट से आया, उसमें करीब 90% इन्हीं बेईमानों का धन है। कितना? करीब 2,00,000 करोड़ तो मॉरीशस से आ गया। भारत के बेईमान लोगों ने अभी स्विट्जरलैंड से, हम सबको यही पता है कि पैसा कहां जमा है, किसी से भी पूछो तो क्या बोलते हैं? स्विट्जरलैंड। अभी स्विट्जरलैंड में तो मुश्किल से कितना 20 लाख करोड़ रुपए के आसपास बचा है। कितना? 20 लाख करोड़। ये बाकी पैसा कहां चला गया? अमेरिका के अंदर है करीब 500 लाख करोड़, ये उसका प्रूफ है। ये अमेरिका के 25 सांसदों का लिखा हुआ पत्र है, ये जो है दरअसल लीक हो गया कहीं से। ये टैक्स जस्टिस नेटवर्क, ये जो काले धन के बारे में मैंने कह रहा था ना, अध्ययन करने वाली एक संस्था है, ये कितना लूटा हुआ है अमेरिका के पास, कितना है? ये करीब 500 लाख करोड़, और उसमें 135 लाख करोड़ तो ऐसा है जिसके बारे में कुछ बताते ही नहीं, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल सिक्रेसी लॉज। ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूं आपको। आपने सुना होगा हमने 4 जून को जब आंदोलन किया तो कुछ लोग जो है 5 जून को 6 जून को वहां पहुंच गए स्विट्जरलैंड, और वहां से चले गए थे अमरीका। उनका सबका पता लगाना हो तो आपको अखबारों से भी पता लग जाएगा कि कौन लोग, जब हमने ये कार्यक्रम शुरू किया बोले भाई तो गड़बड़ होने वाली है, तो अपना अपना धन ठिकाने लगाने पहुंच गए, स्विट्जरलैंड से अमेरिका गए, अमेरिका में कुछ महीनों तक भी रहे। ये क्या कर रहे थे वहां? अमेरिका में एक सबसे बड़ा टैक्स हेवन है, कुछ लोग ये कहते ना स्विट्जरलैंड टैक्स हेवन है, अब तो स्विट्जरलैंड तो नाम नाम का रह गया, सबसे बड़ा बेईमानी का अड्डा अमेरिका बना हुआ है, और वो दादा सबको प्रोडक्शन दे रहा है अपनी दादागिरी से। ये बहुत बड़ी बात आपको कह रहा हूं, और ये इसके प्रूफ के साथ में कह रहा हूं, कोई भी निकाल के देख सकता है। 135 लाख करोड़ रुपए तो एक डेलावियर है, एक अमेरिका में जगह डेलावियर वहां जमा है, और इस 135 करोड़ में कम से कम 100 लाख करोड़ रुपए भारतीयों का है। कितना? 100 लाख करोड़। और ये सारे ज्यादा से ज्यादा इसमें वो लोग हैं जो सत्ता के शिखर पर रहे हैं, टॉप पॉलिटिशियंस, टॉप राजनीतिक घराने, जो अपने आप को ये समझते हैं कि इस देश के ऊपर राज करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और इस देश को अपनी जागीर समझते हैं। वो कहने को खानदानी लोग हैं, लेकिन ऐसे खानदानी नेता जिनको हम मानते थे वो खानदानी लुटेरे बन गए और देश लूट लिया। 135 लाख करोड़ तो डेलावियर में ही जमा कर दिया। भाई बहनों मैं आपसे इसलिए इस बात को कहना चाहता हूं कि देश यूं ही लूट रहा है, अपने को यूं ही नहीं पता, हमको ऐसा लगता है पता नहीं क्या हो रहा है, ये पता नहीं कब गरीबी मिटेगी, कब अशिक्षा मिटेगी। ब्रिटेन में, अमेरिका में, जापान में, यूएसए में, सब जगह समान शिक्षा है, प्रधानमंत्री का बेटा हो या चपरासी का बेटा हो, एक जैसे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी है। क्या हमारे यहां पर भी ऐसा होगा कि स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी एक जैसे हो सबके लिए?
हमारे यहाँ गरीब के लिए वही टूटा फूटा स्कूल जिसकी छत चू रही है, जिसमें रात को चमगादड़, दिन में कबूतर, कभी कभी बच्चों के साथ ही कुत्ते भी घुस जाते हैं क्योंकि उनके भी पिल्ले वहीं ब्याते हैं। ऐसे तो बुरी हालत कर रखी है हमारी, ना स्कूल अच्छे ना कॉलेज अच्छे, गांव पहाड़ों के गांव तो खाली होते जा रहे हैं, ना वहां बच्चे बचे, बच्चे पढ़ाई के लिए शहरों की तरफ आ गए, जो बेचारे गरीब लोग हैं वो बचे हुए, ना बच्चे बचे ना जवान बचे, अब बुढ़े बुढ़े बच गए, वो भी बोला अब क्या करें, अब टाइम पास करने के लिए चलो दारू ही पी लेते, वो अपने दूसरे काम में लग गए। अब दारू पिएंगे तो फिर जमीन कैसे बचेगी, फिर जमीन भी बिक गई, यह हालात खराब चल रही है। भाई बहनों, अपने लिए एक एक दिन बहुत महत्वपूर्ण है। अपने देश को यदि हमने शक्तिशाली न बनाया तो दुनिया के सामने हम ठहर नहीं पाएंगे, और यदि हमने थोड़ी सी भी कोशिश की पूरी दुनिया के सामने, आज हम आर्थिक दृष्टि से मैं बात करूं तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था 732 लाख करोड़ रुपए की है, कितनी 732 लाख करोड़ की। चीन की अर्थव्यवस्था 504 लाख करोड़ की, कितनी, चीन के साथ तुलना तो करके देखो अपनी। और जापान की 215 लाख करोड़ की, जापान अपना एक अपने उत्तराखंड जितना भी नहीं है, उत्तराखंड के लोगों को तो अपने खाने के लिए दाने तो पैदा हो जाते हैं, और भी बहुत से संसाधन है यहां पर। जापान तो मैं तो खुद गया हूं, वहां देखा है, वहां मैक्सिमम चीजें चावल, वहां गेहूं, दालें, सब्जियां, फल 90% लगभग 80 से 90% बाहर से लाना पड़ता है। ऐसा देश जिसमें खाने को अनाज नहीं है, लेकिन उस देश के लोगों की मेहनत देखिए, उस देश के लोगों की ईमानदारी देखिए, और उनकी देशभक्ति का जज्बा देखिए कि भारत से भी ज्यादा ताकतवर बनकर के खड़ा है वो देश जापान। सीखना है तो देशभक्ति वहां से सीखो, हमसे आगे। और भारत की जो अर्थव्यवस्था 203 लाख करोड़ रुपए की है, यदि काला धन हमारा भारत में आ जाता है तो एक वर्ष के अंदर भारत अमेरिका से भी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाता है और पूरी दुनिया की वर्ल्ड इकोनॉमिक सुपर पावर। यह कोई छोटा मुद्दा नहीं है। और भारत में इतनी नौकरियां होंगी, आरक्षण की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आज आरक्षण के नाम पर लड़ाई हो रही है, कोई कहता है जातियों के आधार पर आरक्षण हो, कोई कहता है आर्थिक आय के आधार पर आरक्षण हो, कोई कहता है कि जो जातियों के आधार पर आरक्षण चल रहा है उसमें भी जो पैसे वाले लोग हैं वही आरक्षण का फायदा उठा रहे हैं, बहुत सी दिक्कतें हैं। मैंने कहा भाई ये 400 लाख करोड़ रुपए हिंदुस्तान को वापस दिला दो तो अपने यहां इतनी नौकरियां मिलेंगी, अपने यहां नौकरी करने वाले कम पड़ जाएंगे, फिर अंग्रेजों को ला करके खेतों में हल चलवाना पड़ेगा अपने। हाँ, अब हमारे भी लोग तो वहां जाकर के क्या करें, एयरपोर्ट पर आप देखो, आप में से जो भी लोग कनाडा अमेरिका आदि गए होंगे, ब्रिटेन गए होंगे, ब्रिटेन में आपने लोग एयरपोर्ट के ऊपर जो है वो सफाई करने वाले अपने कर्मचारी हैं, बहुत सी जगह पेट्रोल पंप अंग्रेजों के हैं, पेट्रोल भरने वाले हमारे लोग हैं, बहुत सी जगह सड़क बनाने वाले हमारे लोग हैं। अरे अपनी अर्थव्यवस्था मजबूत बना लो तब हमारे रोड बनाने के लिए भी अंग्रेज लोग आया करेंगे नौकरी करने के लिए। वहां बेरोजगारी हो रही है, अमेरिका में बेरोजगार लोग हो रहे हैं, वो आकर के अपने पेट्रोल पंप तुम्हारे होंगे, पेट्रोल भरने वाले वो होंगे, घर तुम्हारे होंगे, तुम्हारे घर में झाड़ू लगाने के लिए लोग अमेरिका से आया करेंगे। आपको अभी सपना लगता है लेकिन ये सपना आपका 2020 तक पूरा करना है। अरे बच्चे पढ़ लिख करके कहां जाना चाहते हैं बोलो, बोले तो विदेशों में भी सबसे ज्यादा कहां, अमेरिका। अमेरिका में क्या है भाई, वहां डॉलर है। अरे भाई अपने रुपए को डॉलर से स्ट्रोंग कर लो तो सारी दुनिया भारत के पीछे डोल लेगी, ये तो हो जाएगा। ये अर्थव्यवस्था ऐसी है, अपने को समझ भी नहीं आती, अपने को दिन लगता पता नहीं भाई ये 50 रुपए देने पर $1 मिलता है, $1 कोई ले आता है तो 50 रुपए मिल जाते हैं। ये सारी गड़बड़ हेरा फेरी कर रखी है, ये गड़बड़ हुई है बहुत ज्यादा नहीं 1944 में दो संस्थाएं बनी, एक का नाम है वर्ल्ड बैंक, दूसरे का नाम है IMF। इन्होंने घोटाला किया, अमेरिका ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को अपनी मुट्ठी में ले लिया, और उसके बाद से तो पूरी दुनिया को नरक बना के रख दिया। जो कहते हैं ना कि दुनिया का सबसे अमीर देश कौन, अमेरिका। मैंने सारी इसमें पोल खोल रखी है, मैंने कहा देख लो इनकी अमीरी, इसमें सबके डेटा दे रखे हैं। अमेरिका के ऊपर 1,000 लाख करोड़ का कर्ज है, कितना, अरे जोर से तो बोलो, तुम अपने आप को गरीब माने बैठे हो और अमेरिका को अमीर माने बैठे हो कि अमेरिका बड़ा अमीर है, उसके ऊपर कर्ज है 1,000 लाख करोड़। अमेरिका की 10 पीढ़ियां इस कर्ज को नहीं चुका सकती,
दुनिया का सबसे दरिद्र देश यदि कोई है तो अमेरिका है। क्या आपको सच्ची बात बता रहा हूं? प्रमाण के आधार पर 667 लाख करोड़ रुपए का विदेशी कर्ज, 388 लाख करोड़ रुपए का आंतरिक कर्ज, कुल कर्ज उस देश के ऊपर है 1000 लाख करोड़। काहे का अमीर है वो? अपने कर्ज की किस्त चुकाने के लिए उसके पास पैसे नहीं है, कर्ज की किस्त और ब्याज चुकाने के लिए उसके लिए ऊपर से और कर्ज लेता है। और ये सारा पैसा कौन सा होता है? काला धन। ये काले धन की अर्थव्यवस्था का मैंने दूसरे तीसरे पेज के ऊपर पूरा विवरण दिया है पूरी प्रामाणिकता के साथ। पूरे विश्व की जो अर्थव्यवस्था है वो करीब 62 ट्रिलियन डॉलर की है और करीब उतनी ही काले धन की अर्थव्यवस्था है। तो ये जो काला धन है, ये जो बेईमानी का पैसा, ये छोटा मुद्दा नहीं है। अभी मुद्दा यही होगा, बोले बाबा हम करें क्या। मैंने कहा अब भारतीय राजनीति में जाति पंथ मजहब के मुद्दे छोड़ो, अब कहो हमारा वोट लेना है तो 400 लाख करोड़ रुपए हिंदुस्तान को पहले दिलाओ, उसके बाद में तुम्हें वोट मिलेंगे। और जो काला धन वापस दिलाने के लिए जो पार्टी तैयार नहीं, उसकी नियत में खोट है, उसको वोट। 400 लाख करोड़ कोई छोटा मामला है? तुम्हारे घर में 4 लाख की चोरी हो जाए तो है तो बा मच जाती है। 400 बोला बाबा आपने 4 लाख ठोक दिया, यहां तो 400 रुपए हो जाए तो मारकाट मच जाएगी। हाँ बोले बाबा 100 रुपए में तो कत्ल हो जाता, और तुम्हारे घर से 400 लाख करोड़ तो बहुत दूर की बात हुई, तुम्हारे घर से कोई 4000 रुपए ले जाए तो ले जाने दोगे? तुम्हारा खेत कोई बेचे बेचने दोगे? खेत में कोई फसल काटे काटने दोगे? क्यों? बोला हमारा है, ये देश तुम्हारा नहीं है क्या? लुट गया रही हूं बैठे हो बावड़े होकर के। बोले बाबा क्या करें, अब बाबा बता रहे वो कर लो, नहीं तो बाबा तो मस्त है, परेशानी तुम्हारी है। बालक बच्चे तुम्हारे ठीक से पढ़ाई नहीं करेंगे, पढ़ाई करने के बाद नौकरी नहीं मिलेगी, ना तो बाबा ने बालक पैदा किए ना करेगा। बेरोजगारी की समस्या मुझे है नहीं, जहां भी जाता हूं वहां खूब लोग भगवान की तरह पूजा करते हैं, मैं तो तुम्हारे लिए मर रहा हूं। और यूं कहें बाबा क्यों परेशान हो रहा है, बाबा को बालक भूखे मर रहे हैं भाई। तुम्हारे बच्चों का इंतजाम करने आया हूं, जिस दिन तुम साथ दोगे उस दिन तुम्हारा एक भी बच्चा भूखा नहीं सोएगा, बेरोजगार नहीं रहेगा, गरीब नहीं रहेगा, अनपढ़ नहीं रहेगा। अरे कुछ लोग तो ये सोचते हैं बाबा बावड़ा हो रखा है। बाबा बावड़ा नहीं रखा है, तुम बावड़ों को समझाने आया है। बावड़े तो देश हो रखा है, पता ही नहीं लग रहा इसको कैसे देश लूट गया। सुनो अगली बात सुन लो, बहुत गहरी बात कह रहा हूं भाई बहनों। ये अब मुद्दा राजनीति में क्या होना चाहिए, जो 400 लाख करोड़ रुपए का काला धन देश को दिलाएगा, जो भ्रष्टाचार को प्रामाणिकता के साथ में मिटाएगा और अंग्रेजी तंत्र को के स्थान पर इस देश में स्वदेशी तंत्र, न्यायपूर्ण तंत्र की स्थापना करेगा, व्यवस्था परिवर्तन, भ्रष्टाचार और काला धन, ये 3 बड़े मुद्दे हैं हिंदुस्तान के। तो किसी भी राजनीतिक पार्टी को वोट चाहिए तो बोले भाई इन बारे में क्या कहना है। इसलिए जब भी अब उत्तराखंड में भी विधानसभाओं के, उत्तर प्रदेश में भी जब विधानसभा के और बाद लोकसभा के चुनाव होंगे, तो हम जो भी प्रत्याशी खड़े होंगे उनके पास में एक फॉर्मेट लेकर के जाएंगे और जो उस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने से मना करेंगे ना, इसका मतलब समझ लेना वही चोर है, उनमें से एक भी नहीं जाना चाहिए विधानसभा और लोकसभाओं में। ये 3 तो बड़े मुद्दे भारतीय राजनीति को मुद्दों पर लाना है। कुछ लोग कहते हैं बाबा आपने क्या फतवे से जारी करने शुरू कर दिया इस पार्टी का विरोध, इसका समर्थन। मैंने कहा हम कोई फतवा जारी नहीं कर रहे हैं, हम मुद्दों के आधार पर देश में विरोध और समर्थन की एक स्वस्थ परंपरा शुरू करना चाहते हैं। एक सामाजिक और आध्यात्मिक हस्तक्षेप होना ही चाहिए। वेद भगवान कहता मा वस्ते न ईशत, भ्रष्ट बेईमान चोर हम पर राज नहीं करे। ये तो बात हो गई राज की, अब बात तुम्हारी करते हैं, ये तो होना। तो बोलो आप सब लोग मेरे साथ में हो? कितने लोग चाहते हैं 400 लाख करोड़ रुपए हिंदुस्तान को मिले? क्या भाई पीछे वालों को नहीं चाहिए क्या? मैं बहुत दूर तक देख रहा हूं और ऊपर वालों को भी देख रहा हूं। भाई बहनों 400 लाख करोड़ रुपए इतना बड़ा मामला है,
ये वापस आएगा तब तो रानीखेत भी जिला बन गया है ना, पहले तहसील थी। हा? आपके जिले बनने की आपको पहले तो बहुत बहुत बधाइयां हो, शुभकामनाएं हो। और जिला बनने से मिलेगा क्या वो तो मैं बताने आया हूं ना। जिला बनने से और ये काला धन तो लाना पड़ेगा, अब इसका इंतजाम पूरा करना पड़ेगा, तो एक जिले को मिलेगा 50,000 करोड़। कितना? अरे जोर से तो बोलो। बोला बाबा भी तो मिला ही नहीं, पहले बोलोगी तो ही तो मिलेगा 50,000 करोड़। ये काला धन आने पर एक जिले को मिलेगा, एक जिले को 50,000 करोड़। खर्च करने के लिए जगह है 50,000 करोड़ है? बड़ा बाबा दिलवा दो बात, बाकी तो हम ठिकाने लगा देंगे। हाँ दारू पी के ठिकाने मत लगाना रे छोरो। हाँ एक मेरे से बोले बाबा ये पैसा तो आ गया और फिर वापस लूट लिया, तो मैंने कहा उसके लिए पहले कानून बनाना पड़ेगा। चीन की तरह भारत में कानून होना चाहिए, जो भी भ्रष्टाचार करे पहले तो उससे रिकवरी होनी चाहिए, वसूली होनी चाहिए। और चीन में पता है जैसे मान लीजिए किसी ने 1,000 करोड़ लूटे, कोई भी करप्शन किया, भ्रष्टाचार किया, लूटा वाल वापस लेते हैं, लेकर के वापस फिर उसके घर से पैसे लेते हैं और उससे गोली खरीदते हैं और उससे मारते हैं। गोली के पैसे भी मारने वाले से लिए जाते हैं, बोले टैक्स पेयर के पैसे से बनी है गोली। ये आपको मैं खाली ताली बजाने के लिए बात नहीं कर रहा, वहां की हकीकत बता रहा हूं। कोई भी मिलावट करे, यहां यहां तो दूध नकली, घी नकली, तेल नकली, केसर नकली, शहद नकली, दवा नकली, यदि कोई मिलावट करता है, पीछे एक आदमी ने दूध में मिलावट कर दी थी, कुछ बच्चे बीमार हो गए थे, उस आदमी को सरेआम खड़े करके गोली मार दी थी। हिंदुस्तान में मिलावट, रिश्वतखोरी और बलात्कार, इन तीन के विरुद्ध या जो आजीवन कारावास या मृत्युदंड की सजा होगी तो यह हिंदुस्तान बचेगा, नहीं तो यहां नाश हो रहा है सर। एक मिलावट करने वाला करोड़ों लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करता है, एक बलात्कार करने वाला लाखों करोड़ों मां बहन बेटियों के लिए राक्षस है, वो महा, वो दानव है, वो पिशाच है, नराधम है। अच्छा बताओ आज तक किसी भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की बेटी के साथ बलात्कार हुआ? नहीं हुआ, इसलिए कठोर कानून नहीं बना। बोले होने दो, भारत की बेटियों के साथ हो रहा है, इनका कोई नहीं मरता, इनके यहां कोई नहीं गड़बड़ होती, इनको तो खाने पीने के भी शुद्ध मिल जाती चीज। इसलिए इस देश के अंदर यदि हिंदुस्तान बदलना है तो तीन अपराधों के खिलाफ तो आजीवन कारावास या मृत्युदंड। मृत्युदंड के ऊपर बहुत तरह की बहसें चलती हैं। आजीवन कारावास या मृत्युदंड की सजा तीन अपराधों के लिए होनी चाहिए, बलात्कार, भ्रष्टाचार और मिलावट। अरे बोलो तो सही, तीन तो बड़े अपराध हैं, रोज भोग रहे हो इनको, बलात्कार, भ्रष्टाचार और मिलावटखोरी। बोलो इनसे परेशान हो या नहीं? और एक भी मिलावट करने वाले को कोई बड़ा दंड मिला आज तक? एक भी भ्रष्टाचार करने वाले से वसूली की गई? एक भी भ्रष्टाचार करने वाले को फांसी पर लटकाया गया? और टैक्स के पैसे से वो गोली खरीदने वाली बात तो आगे की है, यहां तो आतंकवादियों को भी बिरयानी खिलाई जाती है। अच्छा बताओ बाबा ने कौन सा गलत काम किया? तुम तो सारे जानते, उत्तराखंड में तो करीब में 20 वर्ष से ज्यादा हो गए, मेरा भौतिक जन्म चाहे प्लेन में हुआ हो, मेरा आध्यात्मिक जन्म इसी उत्तराखंड में गंगोत्री में हुआ है, तो आपकी ये सामान्य जन्मभूमि है, मेरी तो दिव्य जन्मभूमि। और इस उत्तराखंड के लिए हमने जो किया है, हमने इस प्रदेश को एक यूनिवर्सिटी दी है, हमने एक मेडिकल आयुर्वेदिक कॉलेज दिया है, हमने पतंजलि योग पीठ यहां पर बनाया है, योग ग्राम बनाया है, आयुर्वेद को शून्य से शिखर तक पहुंचाया है और उत्तराखंड का यश दुनिया के 200 देशों में बढ़ाया है। भाई बहनों, हमने इस उत्तराखंड के लिए पहले भी बहुत कुछ किया है और पूरे देश के लिए तो हम बहुत कुछ करेंगे ही, हम इस उत्तराखंड के लिए अंतिम श्वास तक भी बहुत कुछ करेंगे। अब मेरे सामने लोग प्रस्ताव ले लेकर क्या रहे हैं, बोलो बाबा जी हमारी खादी नहीं बिक्री, खादी बिकवा दो। बोलो बाबा जी हमारे कपड़े नहीं बिक रहे, भेड़ वाले बेचारे मारे जाएंगे। तो मैंने सोचा है उत्तराखंड के अंदर जितनी भी खादी है और उत्तराखंड के अंदर जितने भी ये भेड़ की
उससे जो है तैयार करते हैं स्वेटर आदि, इसका भी बिकवाने का ठेका मैंने खुद ही ले लिया है। मैंने कहा ये बेचारे भेड़ वाले मारे जाएंगे, ये गरीब बेचारे मारे जाएंगे, जो सैकड़ों उसमें वर्कर काम करते हैं, हजारों लोग उसमें काम करते हैं, वो सब बेचारे कहाँ जाएंगे? कुछ लोगों को तो हम बचाएं अभी, बाकी तो ठीक है, एक काला धन तो आएगा ही, इसका काम वो भी देखेंगे ही देखेंगे। हमने यहाँ हजारों गांव के अंदर गोमूत्र के कलेक्शन के लिए प्रक्रिया शुरू की, उनसे अर्क बनाना शुरू किया, और हजारों गांव के अंदर जिन घरों में 500 रुपए भी प्रति महीना अतिरिक्त आमदनी होती थी, वहां दो दो तीन तीन हजार रुपए आमदनी होने लगी खाली गोमूत्र से। वो गोमूत्र का अर्क पी करके देश के लोगों को स्वास्थ्य मिल रहा है, पहाड़ों को समृद्धि मिल रही है। मेरा तो आगे सपना है, उसमें थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन वो भी सपना पूरा होगा कि उत्तराखंड में जो भी उपज होती है वो ऑर्गेनिक है लगभग लगभग, और इसको संरक्षित करने की जरूरत है। उस सारी ऑर्गेनिक उपज को कम से कम 1.5 से 2 गुने भाव में बेचा जाए, उससे देश के लोगों को स्वास्थ्य मिलेगा और पहाड़ों को समृद्धि मिलेगी और गांव का पलायन रुकेगा। ये बहुत बड़ा काम, बहुत तरह के यहां पर कार्य है, उसको आंशिक रूप से तो हम शुरू कर चुके हैं। और जड़ी बूटियों के लिए सारी दुनिया में 100 लाख करोड़ रुपए का बाजार है दवाओं का। कितने का? अरे जोर से तो बोलो, 100 लाख करोड़ रुपए का दवाओं का, फूड सप्लीमेंट्स का, हेल्थ टॉनिक का। और हिमालय में तो इतनी जीवनदायिनी जड़ी बूटियां हैं, जिसे और तो छोड़ो खाली गिलोय है, पूरी दुनिया में डेंगू का कोई इलाज नहीं है, खाली गिलोय से डेंगू का इलाज हो जाता है। एलोवेरा से, ये एलोवेरा और गिलोय गुर्च क्या बोलते हो आप लोग? गुर्च ही बोलते हैं, गुर्च, गुर्च तो सबको पता है, ये जामी देखो वही पेट पे चढ़ जाती है। पूरी दुनिया में का डेंगू का इलाज हम कर सकते हैं खाली गुर्च से। प्लेटलेट की कोई दवाई नहीं है, प्लेटलेट कम हो जाता है ना, इसकी कोई दवाई नहीं है दुनिया के अंदर। ये प्लेटलेट कम होता तो क्या होता है, ऐसे कहीं पर भी चोट लग जाए ना तो काला निशान पड़ जाता है, इसको बोलते हैं प्लेटलेट की कमी। क्या बोलते हैं इसको? और फिर ये और ज्यादा कम हो जाए तो फिर खून लीकेज होने लग जाता, आदमी मर जाता है। प्लेटलेट्स की कमी, एलोवेरा, ये ग्वार पाठा जानते हो ना सब लोग, ग्वार पाठे के जूस पीने से कितने फायदे हैं, ये देखो ये, और बड़ा हेल्दी होता है यार, मजबूत। ये विदेशी वस्तु मत खरीदा करो, विदेशी वस्तु खरीदते हैं तो देश का पैसा कहां जाता है? विदेश में। देश का पैसा देश में रहना चाहिए कि विदेश में जाना चाहिए? देश में रहना चाहिए। तो आप लोग अपना एलोवेरा लगाओ और एलोवेरा पियो, एलोवेरा पीने से आपकी चमड़ी में ड्राइनेस नहीं आएगी, चमड़ी में खिंचाव नहीं आएगा, रिंकल्स नहीं आएंगे, झुर्रियां नहीं पड़ेंगी, चमड़ी में झुर्रियां नहीं पड़ेंगी, किसी भी तरह के ब्लैक ब्लैक स्पॉट। और इसका रस लगा लो तो ऐसी ही आपकी चमड़ी एकदम साफ रहेगी, जैसे नई नई बहू घर में आई है। और ये बच्चों के भी चेहरे पर दाग आ गए, आजकल तो पुरुषों को भी इधर इधर दाग आने लग गए, यहां यहां ये इसका रस लगाओ, ये बड़ा जबरदस्त, हम भी उपलब्ध कराते हैं आपको। अब तो करीब 20 टन से ज्यादा की डिमांड हमारे पास में, आगे करीब 100 टन तक के हम इंतजाम कर रहे हैं इसका। बड़ा इसका तो बड़ा बड़ी महिमा है एलोवेरा, इसको जो पिएगा वो बीमार रह नहीं सकता, अद्भुत। ये जो जड़ी बूटियां हैं, आज पूरी दुनिया में देखो कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिसका आधुनिक चिकित्सा विज्ञान, उसको बोलते हैं अंग्रेजी में मॉडर्न मेडिकल साइंस, एलोपैथी में कुछ बीमारियों का इलाज है ही नहीं। आप में से कुछ डॉक्टर बैठे होंगे, चलो मैं आपको एक एक गिनाना शुरू करता हूं। प्लेटलेट का अंग्रेजी में कोई दवाई, प्लेटलेट्स कम हो जाए, आप में से कुछ डॉक्टर भी होंगे, प्लेटलेट्स की कोई दवाई, डॉक्टर साहब भी बैठे हैं सामने मना कर रहे हैं, सच्ची बात है ये तो। अब ये डेंगू होता है तो क्या होता है, प्लेटलेट ही घटता है और उससे मर जाता है आदमी। ये गिलोय का रस पिला दो और पपीते के पत्तों का रस पिला दो, एलोवेरा का रस, गिलोय का रस, पपीते के पत्तों का रस पिला दो, एक भी आदमी डेंगू से नहीं मरेगा। ये कितनी बड़ी चीज है। अगली बात सुन लो, किडनी फेल हो जाए इसकी एलोपैथी में कोई दवाई नहीं, किडनी चेंज कर सकते हैं, चेंज करना एक डिफरेंट ऑपरेशन करना, और यदि पहले पहले थोड़े दिन तक कोशिश करते हैं कि डायलिसिस कर देते हैं, डायलिसिस एंड किडनी ट्रांसप्लांट इज नॉट सॉल्यूशन। क्या है सॉल्यूशन? एक तो कपाल भाती करो सुबह सुबह उठ करके, क्या बोलते हैं इसको, करते भी हो ना, देखो ये किडनी फेल केस को ठीक करता है। एलोपैथी में कोई दवाई नहीं है जो किडनी को ठीक कर सके। ये फिर गोखरू पिलाओ,
वृक्षदोषकवात, सुबह नीम के पत्तों का रस, शाम को पीपल के पत्तों का रस, और बस ये है। और लीवर फेलियर की कोई दवाई नहीं है। अब लीवर फेलियर की दवाई है भूमि आंवला, पुनर्नवा और मकोई। भूमि आंवला, पुनर्नवा और मकोई। किडनी की प्रॉब्लम के लिए कोई दवाई नहीं है, ये दवाई है इसकी। अब यदि आप कपाल भाती नहीं करोगे तो किडनी में पथरी हो जाती है। और मेरे तो जिंदगी का सपना है, महात्मा गांधी का भी सपना था कि आयुर्वेद इस देश की राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति होनी चाहिए। यह महात्मा गांधी का सपना था। बहुत प्रॉब्लम्स हैं हमारी। किसी को गुस्सा बहुत आता है, बोला आता है कि नहीं आता? नाराज होते हो कि नहीं होते? दुखी होते हो कि नहीं होते? नेगेटिव विचार आते हैं कि नहीं आते? कभी कभी तो इतने ज्यादा नेगेटिव आते हैं, बोले हे भगवान इससे तो मर जाना अच्छा है। कभी तो सुसाइड करने के विचार आ जाते हैं। फिर ये छोटी छोटी समस्याएं तो लगी ही रहती हैं। फिर ऐसे ही बैठे बैठे कभी कभी दिल करता है बीड़ी पी लो, किसी किसी का दिल करता है दारू पी लो, फिर किसी किसी का दिल करता है मुर्गा ही खा लो, मुर्गा ही खाने में लग गए, बीड़ी पीने में लग गए। हम सब ऋषियों की संतान है, राक्षसों की। अपने आप को रामकृष्ण का वंशज मानते हैं, रावण का? तो राम जी सुअर खाते थे, कृष्ण जी बकरा खाते थे, हनुमान जी दारू पीते थे। हम पूजा करते हैं रामकृष्ण हनुमान की और पीते हैं दारू, खाते हैं मुर्गे। और यहाँ के ब्राह्मण वैसे तो बहुत सीधे सच्चे हैं, लेकिन थोड़ी गड़बड़ कर लेते हैं। कोई भी आप दक्षिण का ब्राह्मण देखो, भाई ब्राह्मण तो दक्षिण में भी है ना, दक्षिण का एक भी ब्राह्मण मांस नहीं खाता, मदिरा नहीं पीता। फिर यहां वाले क्यों पीने लग गए? बोले बाबा जी थोड़ी तासीर ठंडी है ना यहाँ की, इनके तर्क देखो, तासीर ठंडी है, मुर्गा खाने से गर्मी आ जाएगी, इसलिए अपने आप भी खाते हैं और देवी देवताओं पर भी चढ़ा देते हैं। अच्छा बताओ, भगवान सबका माई बाप है ना, हम क्या बोलते हैं, त्वमेव माता च पिता। ये सब जीव जंतु किसने बनाए? भगवान ने। ये सारा ब्रह्मांड किसने बनाया? तो भगवान अपने बच्चों के कत्ल करने से खुश होगा? अच्छा भगवान कृष्ण ने क्या कहा, चढ़ाओ क्या? पुष्पम पत्रम फलम तोयम यो मे श्रद्धया प्रयच्छति। क्या बोला, बोलो तो? पुष्पम, पुष्पम पत्रम फलम तोयम यो मे श्रद्धया प्रयच्छति। अच्छा अब तो क्या 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 चीज बताई चढ़ाने के लिए? पुष्प, पुष्प माने फूल, पत्रम माने पत्ते, फलम माने फल, और तोयम माने जल। अब इसमें कहां है बकरा, कहां है मुर्गा, ये बंद करो। अब जाते जाते दो तीन बातें आपको बताना चाहता हूं। आप देश के लिए क्या कर सकते हो, कुछ छोटी छोटी बातों का पालन कीजिए। एक तो सुबह योग कीजिए और सबको योग करने के लिए प्रेरित, 10-20 लोग इकट्ठा होकर योग करो, इससे देश बहुत आगे बढ़ जाएगा, बीमारी का पैसा बच जाएगा, सब लोग जागरूक हो जाएंगे, सब लोगों के भीतर नैतिकता का स्तर बढ़ जाएगा, सब लोगों के भीतर पवित्रता बढ़ जाएगी, एक काम। दूसरा काम, विदेशी वस्तुओं का प्रयोग मत करना। आप कहने को हिंदुस्तानी है लेकिन ऊपर से नीचे तक आप विदेशी संस्कृति, विदेशी वस्तु, विदेशी सभ्यता, विदेशी भाषा, विदेशी वेशभूषा में फंसे हुए। सिर पर क्या शैंपू लगाते हैं? डो, क्लिनिक प्लस, पेंटॉन, और जो भी विदेशी कंपनी है, सारी विदेशी कंपनी है। और साबुन क्या लगाते हो? लक्स, पियर्स, डव, लाइफ बॉय, डिटॉल, ये सब विदेशी कंपनी है। तो फिर टूथपेस्ट क्या करते हो? कोलगेट, पेप्सोडेंट, क्लोजअप, ये सब विदेशी है। चेहरे पर लिपापोती किसकी करते हो? फेयर लवली, ये भी विदेशी है। और तो कर देखो, ये विदेशी वस्तुएं। फिर जूते चप्पल भी आजकल तो
कपड़े भी एडिडास के पहनते हैं, जूते भी बाटा के और पता नहीं कौन कौन सी, घड़ी भी कौन कौन सी पहनते हैं आजकल, जिसके पास थोड़ा दो पैसे हो गए ना वो भी विदेशी वस्तु लाने लग गए, मोबाइल भी, मैं मोबाइल से लेकर के घड़ी से लेकर के गाड़ी से लेकर के, ये टाटा है सफारी है, ये टाइटन की है, फिर मोबाइल मेरा वो लावा और एक दूसरी और दो तीन देसी कंपनियां हैं, हाँ? उन्हीं के मोबाइल में प्रयोग करता हूं। जब से मुझे ज्ञान हुआ है मैं मजबूरी में हवाई जहाज में बैठना पड़ता है, वो विदेशी कंपनियां बनाती हैं, काश सबसे पहला विमान हमने बनाया, दुनिया को सबसे पहली भाषा किसने दी, भारत ने, क्या नाम था उसका, संस्कृत, दुनिया को सबसे पहली भाषा भारत ने दी, संस्कृति सभ्यता भारत ने दी, सबसे पहला आदि मानव ये हिमालय में पैदा हुआ, दुनिया को मैथमेटिक्स साइंस केमिस्ट्री से लेकर के सूर्य और चंद्र ग्रहण क्या होता है, सूर्य और चंद्रमा में कितनी दूरी है, ये किसने बताया, हमारे ही पूर्वजों ने, ऋषियों ने बताया। और हवाई जहाज भी सबसे पहले किसने बनाया, हमें तो ये पढ़ाया जाता है, रॉबर्ट क्लाइव, किसने बनाया बोलो, राइट ब्रदर्स ने, राइट ब्रदर्स से 8 साल पहले, राइट ब्रदर्स ने 1909 में बनाया ऐसा हमें पढ़ाया जाता है, लेकिन 1896 में बापू तलपड़े ने गोविंद रानाडे जी और महाराजा गायकवाड़ की उपस्थिति में पूना और मुंबई के बीच में मानव रहित आसमान में विमान बना करके उड़ाया और सकुशल लौट करके वापस आया था। हमने पूरी दुनिया को बहुत कुछ दिया लेकिन हम भूल गए अपने अतीत के गौरव को, वर्तमान की शक्ति को और भविष्य की चुनौतियों को, इसलिए हम दुख सागर में डूबे। हमें अपनी शक्ति को पहचानना, अपने अतीत के गौरव को अपने हृदय में समेट करके हमें एक नए भविष्य का निर्माण करना है। मैं आपसे बात ये कह रहा था कि मजबूरी में भी किसी विदेशी वस्तु का प्रयोग करना पड़े तो अपवाद रूप में हो गया, लेकिन आपसे मैं आग्रह करूंगा कि आप कोशिश कीजिए 99% और कुछ मामलों में तो 100% आप स्वदेशी का ही प्रयोग करें, क्योंकि आप यदि विदेशी वस्तुओं का प्रयोग करते हैं तो देश का पैसा विदेश में जाता है। पहले एक कंपनी थी जिसने हिंदुस्तान को लूटा और सदियों तक गुलाम बना करके रखा, क्या नाम था उस कंपनी का, आज तक भी हम नहीं बोले और शायद हमारी पीढ़ियां आगे तक भी ना बुला पाएंगी। एक कंपनी ने देश को लूटा और सदियों तक गुलाम बना करके रखा, आज 5000 कंपनियां से देश को लूट रही हैं और हर वर्ष प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से लेकर के बीज से लेकर के खाद से लेकर के पानी से लेकर के खाने पीने की वस्तुओं से लेकर के साबुन शैंपू से लेकर के दवाओं से लेकर के करीब 10,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लूट विदेशी कंपनियां कर रही है। आज संकल्प लेकर के जाएंगे, इससे कोई नेता नहीं बचाएंगे, कोई पार्टियां नहीं बचाएंगी, आज सब हाथ उठा करके संकल्प लो, हाथ उठाओ सब, संकल्प लेकर के जाएंगे आज के बाद विदेशी वस्तुओं का प्रयोग, जो घर में आ गई उनको मत फेंकना, हाँ कभी कोलगेट और पेप्सोडेंट तुम ऐसे गलियों में फेंक दो, आगे से मत खरीद के लाना। और किसी के पास में पहले घड़ी गाड़ी और मोबाइल विदेशी हो तो नया स्वदेशी खरीदना, ऐसा करना, ठीक है, ये मैंने आपको इसलिए बात बताई, स्वदेशी वस्तु का ही प्रयोग करो, योग अभ्यास करो और स्वदेशी साबुन शैंपू टूथपेस्ट क्रीम पाउडर और ये सब चीजों में जो रोज आप वस्तुओं का प्रयोग करते हो, दवाओं के रूप में, कॉस्मेटिक के रूप में, सब लगभग काफी चीजें तो हमने आपको पतंजलि की तरफ से उपलब्ध कराना शुरू कर दी है। अब आप देखो विदेशी खरीदते हो कोलगेट, अब कोलगेट कितने का आता है, पेप्सोडेंट कितने का आता है, 100 ग्राम 35 रुपए से लेकर के 50 रुपए तक का आता है, उसमें 2-3 रेंज निकाल रखी है, हमने ये जड़ी बूटी, इससे अच्छा टूथपेस्ट वर्ल्ड में कुछ भी नहीं हो सकता, कोई भी करके देखो, आपने से किसी ने किया है, काफी लोग करते हैं इसको, इससे जैसा टूथपेस्ट है कोई, रानीखेत में नहीं मिलता, तो आज से रानीखेत में पतंजलि योगपीठ की आयुर्वेद की सेवा शुरू कर दे रहे हैं, ये भाई डॉक्टर वेद प्रकाश तिवारी जी को ही, ये क्या चिलियानोला बिरला स्कूल के पास आयुर्वेद की सेवा शुरू हो जाएगी। हमने प्रामाणिकता के साथ देखो, अब बाजार से ब्रश लाते हो कितने की मिलती है, 15-20 रुपए की, हम उपलब्ध कराते हैं कितने की, 8 रुपए की, बाजार में आप नमक खरीद के लाते हो कितने रुपए का, 12-15 रुपए का, और हम उपलब्ध कराते हैं कितने का, 8 रुपए का, क्या इसका उद्देश्य क्या है, सबसे सस्ती सबसे अच्छी चीजें स्वदेशी ही होती हैं, विदेशी ब्रांड का मोह छोड़ो, स्वदेशी अपनाओ और इससे ही देश का हर वर्ष सब लोग एक ही संकल्प कर लें तो हिंदुस्तान